करने के बाद हम लोग जामो हटी हटी बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, MM ब्लॉग्स पर। तो गाइस फाइनली आज हम लोग जा रहा है पुरी टू फुलवाड़ी, जो ब्रिज बन रहा है उसमें हम लोग आज जाएंगे मामा के साथ। तो गाइस चलो चलते हैं। और एक बात पूरी खबर, हमारा आते के आते टाइम में यह हमारा टायर पे घुस गया। स्क्रू बोलता है। तो हमारे पीछे का जो टायर है ये टायर में घुस गया और हमारा 50 रुपए का एल लग गया। तो गाइस 50 रुपए का तो एल लग चुका है, उसका बाद छोड़ो, जो किस्मत में होता है वो कौन मना करेगा, जो होना था वो हो गया। तो गाइस चलो चलते हैं और आप लोगों को धूबी टू फुलवाड़ी ब्रिज आप लोगों को दिखाने के लिए चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग पेट्रोल भरा के चला जाते हैं ना। इच्छा और थोड़ा बहुत हम लोग अंदर चलेंगे। चलो चलते हैं अंदर। ये रहा धूबरी टू फुलवाड़ी ब्रिज। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, इतना बड़ा आप इधर से उधर देख नहीं सकते। तो गाइस ये नहीं रहा धूबरी टू फुलवाड़ी ब्रिज, ये नहीं रहा, इसके काम हो रहा है इधर। तो ये तो बनाने के लिए जो गाड़ी जाता है माल, जो भी ले जाता है माल, क्या बोलते हैं मशीन जो ले जाते हैं, ये छोटा सा ब्रिज बनाया है इसलिए ऊपर से एक आ रहा है। देखो ऐसे ही माल जो गाड़ी मशीन फशीन जो भी ले जाना पड़ता है इस साइड काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कर लिया और उस साइड काम कर रहा है। तो पता नहीं हम लोग को जाने देगा या नहीं। तो गाइस जिगाइता है हम लोग करता है, कुछ करने के बाद हम लोग जमो हटी हटी। तो गाइस फाइनली हम लोगों को एयरपोर्ट मिल गया, अभी मजा आएगा ना। लेकिन हम लोग को एंट्री नहीं दिया, मतलब हमने बोला क्या, मैंने बोला उधर जाके बोला मेरा उस साइड मेरा सगाई का घर है उधर। हम लोग को जाना पड़ेगा, उसने बोला तब भी नहीं जाने देंगे, हमने बोला जाएंगे, उसने बोला नहीं जाने देंगे। तो गाइस इधर से जाने का रास्ता है, इधर से हम लोग जाएंगे छुप छुप कर बॉर्डर पार हो जाएंगे और उसके उस लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस चलो चलते हैं हम लोग को चकमा दिखा कर। नदी से हम लोग जा रहा है, नदी से जा रहा है, हम लोग को पानी से जाना पड़ेगा। उधर रहा ब्रिज और हम लोग उधर जो जाने नहीं दिया, हम लोग इस तरह से पानी से जाएंगे, पानी दिया हटके जाएंगे। गाइस कैसे जाओगे रे बाबा, कैसे जाओगे, स्कूटी को उठाना पड़ेगा कि वापस आए, कैसे ओ भाई साहब, गया दिखता है कैसे चलता है देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो गया,
लेकिन हमारा स्कूटी कैसे जाएगा रे बाबा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। कैसे जाएगा रे बाबा, रुको ना इस लाइन से पाइप से अगर पानी घुस जाएगा तो चलो हम लोग चलते हैं। भगवान के नाम लेकर, अल्लाह के नाम लेकर चलो। बहन जो सारे मिल के हमको पागल बना। जय श्री राम, जय भगवान, जय अल्लाह। गया हम लोग, गया 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 गया, लेकिन हम लोगों को मोबाइल पर पानी गिर गया रे बाबा रे। क्या हुआ क्या हुआ, पानी देखो ना, सब कुछ मामा का भी बदन भीग गया रे बाबा रे। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत अच्छा लगा ना। अब चलो, उस लोगों ने गया उस साइड से। चलो चलो चलो, मुझे दो हेलमेट दो मुझे। और थुबेन वहाँ पे, थुबेन वहाँ पे, थुबेन इधर थोएगा, हम लोग चलेगा। चलो आज देखा जाएगा, आज होता पुलिस का क्या बोलता है, आज अगर पुलिस का दिन होगा या हमारा दिन होगा। ऐसा ऐसा सर सर मुझे बड़ा खावर ना खावर। हाँ हम लोग चुप चुप के आ गया और हमारा मंजिल तक शायद हम लोग पहुंच गए, शायद नहीं पहुंच ही गए हम लोग। माल ले जाने के लिए नहीं है ऐसा, माल ले जाने के लिए ये बनाया है और इधर से बनेगा वो मेन जो होता है। ये मेरा लाइफ में फर्स्ट बार देख रहा हूँ ऐसा मशीन, क्या क्या करते हैं इस सब मशीन से भाई साहब, मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा मशीन। पहले हम लोग पुलिस को चकमा देकर आ गया हमारा मंजिल तक, और हम लोग आप लोग दिखा रहा है जो धुबरी से फुलबरी ब्रिज, और शायद हमारा आसाम में यही बड़ा ब्रिज होगा है ना। हाँ हमारा आसाम में फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट नहीं मतलब बड़ा है, सबसे बड़ा आसाम में एक नंबर का ब्रिज लंबा जो होगा यही होगा शायद। कितना तीन नंबर, कितना तीन? नहीं नहीं एक नंबर ही होगा भारत में, भारत भारत में पूरा इंडिया में तीन नंबर ये ब्रिज होगा, तीन नंबर पे ये रहेगा, और आसाम में है एक नंबर, आसाम में एक नंबर और भारत में पूरा भारत में तीन नंबर पे है ना, इससे दो ब्रिज और बड़ा है। किलक से बालक से क्या बात, बालक से कौन से होनी। तो गाइस आप लोगों को दिखा चुका हूँ मैं, इधर से काम हुआ है लेकिन इधर नहीं है, इधर ही बनेगा, इधर से भी बनेगा लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया, इधर से वही से काम कर रहा है और हम लोग इधर से थोड़ा सा घूमने के लिए आ गया। P41 मतलब क्या होता है पता नहीं, और किसी ने हम लोगों को बोला उधर 100 से ज़्यादा लड़की खड़ा है, इसलिए हम लोग तीनों बाइक जा रहे हैं। भाई लड़की देखने के लिए जा रहे हो क्या? ये हमारा आगे चला गया दो बाइक लड़की देखने के लिए, सिर्फ लड़की देखने के लिए और हेल्प। तो गाइस फाइनली ये ब्रिज जो है 25 से 25 तक इतना किलोमीटर होगा, लेकिन आप लोग देखे हो आसाम में इतना बड़ा ब्रिज कभी नहीं देखे हो, और नोटिफिकेशन देखो 22 से 25 किलोमीटर होगा ये ब्रिज। पिलर हो गया, ये पिलर हो गया और उठेगा, यानी यही तो ऊपर तो उठेगा लेकिन ये हो गया, नीचे का काम जो है हो गया इसका ना, है ना। नीचे का काम हो गया, जो इस साइड नीचे का काम थोड़ा बहुत हो गया और उस साइड में है, पूरा 7 साल लिया है टाइम है ना ब्रिज बनाने का। 8 साल नहीं मैंने सुना 7 साल, तो 7 या 8 ऐसा ही होगा, ऐसा 7 या 8 साल लिया है ब्रिज का काम कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो आज संडे है काम बंद है, लेकिन ये जोर से काम कर रहा है, पूरा जोर से काम कर रहा है, और ये जो कंपनी काम लिया है एल एन टी कंपनी काम लिया है ना, कंपनी मिलके खुद के पैसे से ब्रिज बनाता है ना, जब कंप्लीट होगा तब सरकार पैसा देगा। तो ऐसा छोटा मोटा कंपनी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, इसीलिए एल एन टी कंपनी है, हमारा इंडिया का कंपनी नहीं है, बाहर का कंपनी है, बाहर का कंपनी ने काम लिया है। फाइनली हमारा जो ब्रिज आप लोगों को दिखाना था हम लोग आप लोगों को दिखा चुके हैं, और जब बनेगा तब आप लोगों को एक बार दिखाएंगे है ना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।